हरे कृष्णा। तो ये ब्रजमंडल के अंदर केदारनाथ है और योग माया ने श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सब ब्रजमंडल के अंदर प्रकट किए, तो केदारनाथ भी यहाँ प्रकट किया योग माया ने। और योग माया ने ही अपनी शक्ति से यहाँ की जो शिलाएं हैं इनको बर्फ़ जैसा बनाया। क्यों? क्योंकि केदारनाथ जो उत्तराखंड में है तो वहाँ सब जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसलिए योग माया ने उसी की प्रतिकृति में यहाँ के जितने पत्थर हैं उन सबको जो है बर्फ़ की तरह सफ़ेद बनाया है, और ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पिघल रही हो। इस प्रकार से सब शिलाएँ जो है चिकनी चिकनी हैं जैसे कि पिघल रही हों। तो केदारनाथ जो है शिव जी को कहा जाता है, इस संबंध में हम विचार करेंगे। उत्तराखंड में जो केदारनाथ हैं तो शिव जी को केदारनाथ कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो केदार क्षेत्र के नाथ हैं। केदार क्षेत्र, ये क्षेत्र का नाम केदार कैसे पड़ा? धूप आएगी तो नीचे करो, इसको नीचे करो, हाँ नीचे करो, हाँ। तो केदार क्षेत्र, सूरज से मुझे बचना पड़ेगा ना, ठीक है। तो केदार क्षेत्र जो है नाम कैसे पड़ा? एक राजा केदार थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और वे जो है उस क्षेत्र में तपस्या करते हैं और भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं और केदार, राजा केदार वैकुंठ जाते हैं। तो वो जो केदार जो क्षेत्र था उसका नाम केदार पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस केदार नाम के राजा ने वहाँ तपस्या की थी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और चूँकि शिव जी बड़े प्रेमी हैं, विष्णु के बहुत प्रेमी हैं, तो चूँकि केदार क्षेत्र में राजा केदार ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी तो वो स्थान बहुत पवित्र हो गया। इसलिए शिव जी ने वो अपना क्षेत्र बना लिया और इसलिए केदार क्षेत्र के नाथ के नाम से शिव जी जाने जाते हैं। उसी केदार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि बृकासुर नाम का एक असुर था जो कि किसी ऐसी देवता की पूजा करना चाहता था जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। तो उसको नारद जी जब मार्ग में मिले तो उसने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मुझे आप ऐसा देवता बताइए जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी, तीनों देवता शाप देने में समर्थ हैं और वर देने में समर्थ हैं, लेकिन उनमें से जो शिव जी हैं वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वर देते हैं और बड़ी जल्दी रुष्ट होते हैं तो शाप देते हैं। तो इस प्रकार से जान करके वो बृकासुर केदार क्षेत्र में शिव जी का स्थान मान करके उसने अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालने लगा। तो शिव जी जानते थे कि उसकी कितनी गलत इच्छा है, तो उसे वर देना नहीं चाहते थे शिव जी कि उसकी बहुत गलत वर मांगने की इच्छा है। लेकिन 7 दिन तक लगातार जब अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्निकुंड में डालता रहा और शिव जी प्रकट नहीं हुए, तो फिर उसने अपना सिर काट करके अग्निकुंड में डालना चाहा। तो शिव जी अग्निकुंड से ही प्रकट हो गए और बोले कि अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? शरीर तो सुख भोगने के लिए होता है, तुम इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने फिर सीधे यही वर मांगा कि जिसके सिर में मैं हाथ रखूं उसका सिर वो भस्म हो जाए। तो शिव जी मना कर रहे कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा वर मत मांगो, लेकिन वो जिद्दी था। उसने कहा नहीं तो मैं अपना सिर काट डालूंगा। तो शिव जी ने विवश होकर के उसको वर दे दिया, और जब शिव जी ने उसको वर दे दिया तो अपने उस वर की परीक्षा करने के लिए वो शिव जी के सिर में ही हाथ रखने की कोशिश करने लगा। अब शिव जी के पास कोई उपाय नहीं था, अगर शिव जी चाहें तो उसको मार डालते, लेकिन अब कैसे शिव जी
उसको मार डाल सकते हैं, क्योंकि शिव जी ने उसको वर दिया है ना, और वो वर की परीक्षा करना चाहता है, तो फिर शिव जी उसको कैसे मारेंगे? तो शिव जी उसको मार नहीं सकते। और वो जो है जब शिव जी के पीछे दौड़ा तो शिव जी आगे आगे भागते हुए बड़े संकट में पड़ गए, और सब देवता लोग देख रहे थे कि शिव जी बड़े संकट में पड़ गए हैं। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली, तो भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी के रूप में आए और उसको जो है कहते हैं कि अरे शकुनी के पुत्र तुम कहाँ दौड़ के जा रहे हो, अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा जो तुम इतना अधिक परिश्रम कर रहे हो। तो शकुनी का पुत्र कहा, तो वृकासुर ने सोचा कि अरे ये तो मेरे पिता को भी जानते हैं, तुम मेरे बड़े हितैषी होंगे। तो उसने जो है पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से वर मांगा और अब मैं उनके सिर में हाथ रखना चाहता हूँ, उनकी पत्नी पार्वती को हथियाना चाहता हूँ। तो भगवान जो है ब्रह्मचारी के रूप में बोले कि अरे तुम जो है शिव जी की बात में आ गए, शिव जी के तो वर में कोई शक्ति ही नहीं है, जब से दक्ष ने उनको श्राप दिया है तो वो पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं, अब तो श्मशान में वो जो है हंसते हैं और रोते हैं और इसमें सब की भस्म शरीर में धारण करते हैं, अब तो उनके वरदान में कोई सच्चाई तो है नहीं, लेकिन तुमने जो है अगर विश्वास किया है उनके वरदान पर तो पहले परीक्षा कर लो, अपने सिर में हाथ रख करके परीक्षा कर लो। तो भगवान ने इस प्रकार अपने शब्दों के जाल में उसे फंसाया कि उसने भगवान की बातों में आकर के अपने सिर में हाथ रख लिया और वो भस्म हो गया। तो वो केदार क्षेत्र है उत्तराखंड में जहाँ ये घटना हुई थी, जो वृकासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके वर मांगा था। लेकिन अब जो है ये जो स्थान है ये शिव जी का है, तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं एक शिला इस प्रकार की जो बनी हुई है, इसकी आकृति बिल्कुल नंदी की तरह है। तो योग माया ने ही इस आकृति का इस प्रकार से निर्माण किया है कि नंदी बैल, जिसका कि पीछे का हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है और फिर ऊपर उठता हुआ और यहाँ गर्दन, यहाँ सिंहासन बना हुआ है और वो नंदी का सिर है और आगे मुख है, इस प्रकार से नंदी बैल की आकृति में योग माया ने ये जो है बनाया है। और शिव जी का जो स्वरूप है, जो शिवलिंग है, वो इसके नीचे प्रकट किया है। तो ये केदारनाथ स्थान है जो कि शिव जी का जो क्षेत्र है और चार धामों में से एक है। चार धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये चारों धाम योग माया ने प्रकट किए हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए, जय शंकर कैलाश, जय हो राम जी, मेरी कौन बनाएगा? अरे ये गणेश जी का बेटा, अच्छा हाँ दो आप दो तो राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम।
सीताराम।